का चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सब के सब एक बाप की औलाद हो, एक जूता बना सकता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। मतलब अरेस्ट होने के बाद अपने हर्ष भाई को भी यूपी पुलिस के द्वारा दो पैर को अरेस्ट कर लिया गया। सो हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई विल बी बैक। सो कैसे आप सभी लोग, करता हूँ आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया और मस्त होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज की वीडियो भी पहले की वीडियो की तरह नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेहतर होने वाली है, ये तो आपको आगे चलकर ही पता लगेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ टच प्रो हर्ष। आपको तो पता ही होगा कि प्रभात गेमर के चैनल पर स्ट्राइक पड़ी थी, जिस पर टच प्रो हर्ष ने क्या रिएक्ट किया है देखो। टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं प्रभात भाई के बारे में। प्रभात भाई को किसी ने मारी है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक और उन्होंने मेरे को वार्निंग दी है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ, लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, लीगल एक्शन। अरे भाई वो कोर्ट है, वो पुलिस है, तुम्हारे मौसा का घर नहीं है कि तुम छोटी छोटी बात को लेकर के कोर्ट पहुंच जाओगे। ले भाई केस कर दिया, ले भाई लीगल एक्शन ले लिया, अरे हलवा है क्या। भाई तुम्हें याद होगा 6 महीने पहले कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रभात भाई ने भी मेरे साथ सेम काम किया था, तो अगर अभी उनके साथ ये काम हो गया है तो क्या कुछ गलत हुआ है। अभी उन्हें किसी ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है तो क्या कुछ गलत हुआ है, मुझे बस इस बात का जवाब दो। अगर तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो अब समझ जाओ तुम बात। इसको बोलते हैं कर्मा। जब मुझे स्ट्राइक पड़ी थी तब तो तुम बड़े खुश हो रहे थे और आज वही सेम दिन घूम फिर के तुम्हारे सामने आ गए, चैनल पे वीडियो डाल रहे हो, माई चैनल डिलीट, ये वो, तब समझ में आ गया तुम्हें। पूरी कम्युनिटी ने एक तरफ होकर के मेरे साथ स्ट्राइक का गेम खेला था और मेरी मेहनत पे बात आई थी, तब तो किसी ने साथ नहीं दिया था, तब तो कोई साथ नहीं आया था, तब तो मेरे सिर्फ कुछ चाहने वाले कुछ लॉयल ऑडियंस आई थी मेरे साथ में, मुझे सपोर्ट किया था, मुझे मोटिवेट किया था, उनके लिए दिल से हमेशा रिस्पेक्ट है भाई। मैं वैसे टॉपिक से भटक गया, तो यार देखो 6 महीने पहले इन लोगों ने जैसा मेरे साथ किया था वैसा ही इनके साथ हो रहा है। वैसे ये स्ट्राइक का सीन बहुत गलत होता है, गलत चीजें हैं ये, बट जब 6 महीने पहले पूरी कम्युनिटी ने एक तरफ होकर के मेरे साथ खेला था तब ये चीजें गलत नहीं थी क्या। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं भाई इंसानियत के नाते हटा लो, मेहनत है किसी की, तो भाई मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी तब कहां थी तुम्हारी इंसानियत, तब कहां थी तुम्हारी मेहनत, तब कहां थे तुम लोग। जब मैंने उन्हीं लोगों के साथ स्ट्राइक का गेम खेलना शुरू किया है तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई तब क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी, जब मेरे को पड़ी थी तब। मुझे एक बंदे की स्ट्राइक हटाने के लिए तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी कॉल आया कि हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, जैसे टोंडे गेमर, टोंडे भाई ने भी मेरे को कॉल किया था हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, ऐसा नहीं है वैसा। देखो पहली बात, मैंने स्ट्राइक मारी नहीं है किसी को भी, तो मैं स्ट्राइक हटा नहीं सकता हूँ। दूसरी बात कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, स्ट्राइक नहीं हट जाएगी मेरा नाम लेने से। और बात रही लीगल एक्शन की, तो मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सब के सब एक बाप की औलाद हो, एक लीगल एक्शन, एक लीगल नोटिस, एक कोर्ट से कुछ भी, तुम मेरे ऊपर एक ऐसा तिनका भी उठा के दिखा दो लीगल के नाम पे, मैं अभी के अभी सारे चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। भाई एक बाप की अगर औलाद हो ना, अगर तुम अपने बाप की सच्ची औलाद हो, कोई भी, चलो खुला चैलेंज दे, तुम कह रहे हो ना लीगल एक्शन लूंगा, ये करूंगा, सबको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, एक बंदा मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखा दो, मेरे को टच करके दिखा दो, मैं अपना नाम बदल दूंगा, सब कुछ छोड़ के माफी मांग के चैनल तुम्हें अपना दे के जाऊंगा, चलो बस खुश जाओ, यूट्यूब पे मत भोको और मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेके दिखाओ और अपने को प्रूव करो कि तुम एक बाप की औलाद। हर्ष भाई की इस वीडियो के बाद प्रभात गेमर ने भी अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें क्या रिएक्ट किया है देखो। तो असली चोर है वो तो सबसे पहले खुद को शरीफ ही बताएगा ना। मैंने तो बस वीडियो में ये बोला था कि जिसने भी ये सब किया है उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, और मैं लीगल एक्शन लेता राज वलेचा के ऊपर जिस नाम से स्ट्राइक आई थी, और जीमेल भी उसका हमें पता था, तो बाकी का डिटेल निकालना पुलिस वालों का काम है, एट द एंड जो मुजरिम होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये बंदा उछल उछल के बोल रहा है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भाई ये बता तेरी इतनी क्यों फट रही है, जब तूने कुछ किया ही नहीं तो बिना बात के सफाई क्यों दे रहा है, मैंने तो तेरा नाम कहीं लिया ही नहीं। बाकी गाइज आप लोग तो समझ ही गए होंगे इसके पीछे कौन है, समझने वाले को इशारा ही काफी होता है, और ये तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। यार सीरियसली इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, मुझे तो अब कुछ नहीं बोलना। आपको तो पता होगा कि वीआर गेमर और टच प्रो हर्ष के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पर टच प्रो हर्ष की इस वाली वीडियो पर वीआर गेमर ने क्या रिएक्ट किया है देखो। मुझे टच प्रो हर्ष का एड्रेस निकाल के उसके घर जाना पड़ा, 1200 किलोमीटर दूर उसके घर जाने के साथ मुझे इस यूट्यूबर के अगेंस्ट में एक FIR भी करवानी पड़ गई और साथ में लीगल नोटिस भी इसके घर पे भिजवा कर इसके ऊपर केस भी कराना पड़ गया। अब टच प्रो हर्ष को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ कॉपीराइट रूल्स को वायलेट करने की नहीं है, सिर्फ फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के बाद मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई स्ट्राइक को हटाने के लिए, और साथ ही साथ मुझे ओपन थ्रेट्स दी गई, मुझे धमकियां दी गई कि अगर 10 लाख रुपए नहीं देगा तो तेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। अब अकॉर्डिंग टू कोर्ट सेक्शन 384 अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ में उसको फाइन देना पड़ेगा वो अलग। और मजे की बात पता है क्या, ये ऑफेंस नॉन
नॉन अवेलेबल है। अगर कोई भी किसी को ब्लैकमेल करता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है या फिर धमकिया देता है, ब्लैकमेल करता है, तो उसको 7 साल की सजा तो होगी, फाइन भी देना पड़ेगा और उसमें बेल भी नहीं मिलेगी। अब मुझे तो पता था, मेरे पास सारे प्रूफ थे कि ये फेक स्ट्राइक टेक प्रो हर्ष ने मारी है और वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए मैं उसका एड्रेस निकलवा के उसके घर पर चला गया। टेक प्रो हर्ष के घर जाने के बाद टेक प्रो हर्ष के नियरबाय पुलिस स्टेशन में टेक प्रो हर्ष के पापा को भी बुलाया गया, टेक प्रो हर्ष को भी बुलाया गया और मैं भी वही था। तो मैंने पुलिस ऑफिसर्स के सामने, टेक प्रो हर्ष के पापा के सामने और सभी के सामने टेक प्रो हर्ष से मैंने सिर्फ एक ही सवाल, वो चैनल तुम्हारा है या नहीं? हाँ या ना बोल दो, क्योंकि मेरा नहीं है, आप प्रूफ कर दोगे? तो ठीक है, मुझे जो प्रूफ करना होगा मैं कोर्ट केस में प्रूफ कर दूंगा। वो बंदा अपनी जुबान का कितना ज्यादा पक्का, जो बस एक बार जुबान दे के एक बार बोल के तेरे घर का एड्रेस निकाल के 1200 किलोमीटर तेरे घर पे भी आ जाए, तेरे बाप के भी हाथ पर जुड़वा दे। जब मैं तेरा घर का एड्रेस निकाल के तेरे घर पे आ सकता हूँ, तेरे पापा को तेरे मामा को झुकने पे मजबूर कर सकता हूँ, तो सोच तेरे को जेल में पहुंचाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। एंड टेक प्रो हर्ष के चैनल पर उसके फ्रेंड ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिस पर टेक प्रो हर्ष को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस न्यूज निकल कर आ रही है, देखो। तो दोस्तों एक बैड न्यूज थी यार अपने हर्ष भाई को लेकर, मैं उसका दोस्त हूँ, बस तुम लोग को अर्जेंटली इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ हर्ष भाई के चैनल पे। तो फिलहाल न्यूज ये कि रिसेंटली एल्विश भाई के अरेस्ट होने के बाद अपने हर्ष भाई को भी यूपी पुलिस के द्वारा 2 पैर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब उन्होंने तो कुछ ज्यादा इसके ऊपर बोला नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता किसी यूट्यूबर ने उसके ऊपर केस कर दिया था किसी बात को लेकर। उस यूट्यूबर का तो 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, कुछ वीरांड करके तो नाम है, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को बस अर्जेंटली बताना था तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दिया है। तो आप लोग बस हर्ष भाई की आत्मा को शांति के लिए, नहीं आत्मा की शांति के लिए कमेंट्स में, अरे भाई स्क्रिप्ट तो सही से पढ़ ले थोड़ा सा। तो कैसा लगा हर्ष भाई का मजा? तो बढ़ते हैं हम अपने अगली स्टोरी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग हमारे अज्जू भाई को। तो पता होगा कि हमारे अज्जू भाई के 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिस पर अज्जू भाई क्या स्पेशल करने वाले हैं देखो। तो भाई वो 40 मिलियन स्पेशल हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो मेरे को हेल्प चाहिए। आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे को टैग करके बता सकते हो। देखो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में है, जैसे एक तो हम लोग गाना करेंगे, बट गाना करना है तो बहुत अलग लेवल पे करना होगा, जो मेरे दिमाग में है मैं करने वाला हूँ, गाना हम लोग करेंगे चलो, बट आप वोटिंग करेंगे, आप लोग मेरे को स्टोरी टेक करके बताना। और दूसरा है स्नीकर, गेमर बहुत महंगे महंगे जूते खरीदते हैं 1.5-2 लाख वाले, तो सूरत टेक्सटाइल में बहुत आगे जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो मैं मटेरियल मंगवा के एक जूता बना सकता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, मतलब लिटरली बहुत महंगा वाला जूता मैं बना सकता हूँ खुद से। तो ये 2 चीज मेरे दिमाग में चल रही है, 7-8 दिन में मैं परफेक्ट अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप लोग स्टोरी टेक करके बताना, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होगा वो करेंगे या तो गाना या तो स्नीकर। गाना करेंगे तो अलग लेवल पे, स्नीकर भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो बताना क्या करना है। तो 7-8 दिन रुको, स्टोरी आएगा, 7-8 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, चलो कल ही कर दूंगा मैं भी, पता नहीं, बैठा स्टोरी टेक करके मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ बिनजेड गेमिंग। तो बिनजेड भाई कर रहे थे लाइव, जिसमें स्ट्राइक से रिलेटेड कुछ कहा है, देखो। सुनो मेरी बात गाइस, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमारे लाइन में अगर कोई बंदा आता है सामने, वो अगर हमें मारता है, पहले तो आपको पता ही है रिवाइवल सिस्टम है, कोई हमको मारेगा हम उसको मारेंगे, ये सब चलता रहता है गेम में, क्योंकि वापस रिवाइव होते हैं फिर से मौका मिलता है। अब एक बार मैंने किसी को मारा, दूसरी बार मुझे किसी ने मारा, चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ बंदे क्लिप्स उठा रहे लाइव से और फिर ऐड करते हैं मीम्स वगैरह और फिर गालियां देते हैं। कल भी मैंने किसी का वीडियो देखा, सीधा सीधा गालियां देते हुए। मैं किसी को गाली नहीं देता कभी भी, तुमने मेरे मुंह से कभी गाली नहीं सुनी होगी किसी के भी लिए, ना ही मैं किसी यूट्यूबर को आज तक गाली दिया हूँ, ना ही मैं किसी से गाली सुनना चाहूँगा। अगर मैंने किसी के भी वीडियो में देखा ना कोई मुझे गाली दे रहा है, ध्यान से सुनना, कोई मुझे गाली दे रहा है ना वीडियो में मेरा क्लिप यूज करके, मैं ना डायरेक्ट स्ट्राइक दूंगा, ठीक है, खुला खुला। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को भी स्ट्राइक नहीं दी है, ठीक है, अभी तक मैंने एक भी बंदे को स्ट्राइक नहीं दी है आज तक। लेकिन अगर मैंने देखा ना फिर से किसी, जिन भी वीडियोस में गालियां वालियां तुम ऐड कर रहे हो ना, मेरे को मार रहे हो फिर वहां से गालियां दे रहे हो, मतलब हवाबाजी करने के लिए, अरे मैं वो, मैं ना वीडियो पे सीधा स्ट्राइक दूंगा। फिर आरआर जो करते हो ना वो करना आराम से, मैं सुनूंगा भी नहीं, ठीक है, सीधे बता रहा हूं मैं, ना मैंने आज तक किसी को गाली दी है ना मैं गाली सुनूंगा किसी के भी मुंह से, मैं सीधे बता रहा हूं, ठीक है। और मैं 1-2 दिन से ये चीज बहुत देख रहा हूं यूट्यूब पे, कोई लाइव से क्लिप उठा रहा है फिर उसमें गाली ऐड करता है और बहुत ऐसी गंदी गंदी गालियां ना, मतलब सामने बंदे ना बहुत वो हो गया कि मतलब भाई देखो मेरी बात, मैं ना वो नहीं हूँ जो सुनेगा चुपचाप गाली, तुम मुझे गाली दोगे ना बात सीधे स्ट्राइक पे आएगी, ठीक है। तुम मेरे लाइव में आते हो
तुम वीडियो उठाओ तुम मुझे मारते हो, तुम वीडियो उठाओ तुम ना शौक से डालो ऐश करके, मैं शॉर्ट आउट दूंगा उस वीडियो पे। लेकिन अगर मैंने गाली देखी ना, कोई मुझे गाली दे रहा है वीडियोस में, क्योंकि मैं तो नहीं देता ना किसी को गाली कभी भी, मैंने अगर किसी को गाली देते हुए सुना ना वीडियो में, सीधा स्ट्राइक, फिर रोना कैसे, तुम्हें रोना होगा, फिर मैं स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा, ठीक है। जिसने भी वीडियो डाला होगा ना ऐसा, चुपचाप प्राइवेट कर लेना, क्योंकि मैं फिर सुनता ही नहीं हूं, मैं स्ट्राइक दूंगा, बात खत्म, ठीक है। अरे यार, यहाँ तक आके फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट दबा दो ना। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।